हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर जो 14 अप्रैल 2019 सवेरे 10 बजे आकाशपुरी हनुमान मंदिर रानी होते भवन धुलपेड़ से जो श्री रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है उसकी पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। कल सवेरे 10 बजे श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और इस शोभा यात्रा में सिर्फ तेलंगाना ही नहीं भारत देश के कोने कोने से राम भक्त पधारते हैं और इस शोभा यात्रा को सफल बनाते हैं। और हर वर्ष कोई ना कोई एक पब्लिक में एक अट्रैक्शन रहना बोलकर एक प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। इस बार आप देख सकते हैं मेरे पीछे राम जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया गया जो धुलपेट के जो प्रसिद्ध कलाकार है सुंदर कलाकार जी और उनके सुपुत्र बब्बू सिंह जी ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया और एवं शॉर्ट पीरियड में। और ये प्रतिमा बनाने का एक लक्ष्य है जैसे अभी चुनाव का माहौल बना हुआ है आज के कलयुग में हमारे रामचंद्र जी हमारे मोदी जी है और रावण राहुल गांधी और जो चोरों का जो गठबंधन बना हुआ है ना वो सभी के सभी रावण है। वो समय पर एक रावण था लेकिन आज हर गली हर पार्टी का हर वो नेता एक रावण के रूप में देश को लूटने के लिए खड़ा हुआ है लेकिन वो समय पर राम एक था और आज समय पर भी देश की रक्षा के लिए एक ही मोदी है। वो समय पर जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था उसी प्रकार से 2019 के भी चुनाव में यही राम यही मोदी उन सारे रावणों का वध करके फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी और भारत देश का विकास होगा। फिर से एक बार मैं सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और 14 तारीख के दिन कल सवेरे 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधार कर शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। जय।